वेलकम टू एक्यूमन गेट एकेडमी। आपने अभी तक हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे गेट और फैंटास्टिक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आपने जाना है उन वीडियोस में। पर आज हम एक हटके अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि गेट एग्जाम IIT, IISc और बिजनेस और स्टार्टअप वर्ल्ड के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या यहाँ पे कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अगर कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाई के साथ अपना टेक स्टार्टअप का फाउंडेशन रखने की इच्छा रखता हो तो क्या उसको भी कोई यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं रोहित चांदोरकर, मैं एक्यूमन गेट अकेडमी का फाउंडिंग मेम्बर हूँ और खुद एक स्टार्टअप ओनर। मेरी खुद की कंपनी ईट्यूड 360 इनक्यूबेटेड है और उसको फंडिंग भी मिल चुका है, तो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस साइट पे है जो मैं आपके साथ अगले 10-15 मिनट के वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सारे बच्चे नहीं जानते, उसका अवेयरनेस नहीं है और वो मिस कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए हम आज एक एग्जाम्पल लेंगे कि IIT मद्रास को लेके चलते हैं कि आपने गेट एग्जाम दिया और अगर आप IIT मद्रास के अंदर हैं तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा एनवायरनमेंट, कोई ऐसा माहौल है जो आपको टेक स्टार्टअप स्टार्ट करने में, स्केल करने में मदद कर सकता है। सो वी विल गो स्ट्रेट अवे टू द वेबसाइट ऑफ IIT मद्रास के इनक्यूबेशन सेंटर, राइट? आप कैसे पहुँचेंगे यहाँ पे? तो आप गूगल के अंदर अगर IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेंटर अगर आप टाइप करेंगे तो आप rbti.in नाम की एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर पहुंच सकते हैं। जब आप इस साइट पे पहुंचेंगे तो आपको IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में सारा डेटा जो है वो मिल सकता है। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल और ये हो गई उनकी वेबसाइट। सबको आपको क्लियरली अगर दिख रहा हो कि हम होम पेज पे पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं? IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल पे। अब यहां देखते हैं कि इंक्यूबेशन, बिफोर वी गो टू डेटा, हम ये समझते हैं कि इंक्यूबेशन सेल क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। तो इंक्यूबेटर हम समझते हैं कि कोई नवजात शिशु जब पैदा होता है और पहले कुछ घंटों में, पहले कुछ दिनों में जब उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद से सर्वाइव कर सके, उसके कुछ आइडियल कंडीशंस चाहिए होते हैं, तो उन बच्चों को, उन बेबीज को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं जिससे उनका इनिशियल सर्वाइवल को हम गारंटी करते हैं। सिमिलरली जब कोई बिजनेस आइडिया होता है कोई नए एंटरप्रेन्योर के पास, तो ज़रूरी नहीं, उसको एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब 100 आइडिया आते हैं तो नियरली 99 आइडियाज पहले एक साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो उनको ये सपोर्ट मिले इनिशियल सर्वाइवल के लिए, इसके लिए इंक्यूबेशन सेल्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स या एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बने हैं। ये क्या करते हैं? ये जरूरी चीज है, जैसे नॉलेज कंपोनेंट है या फिर अच्छा एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स शेयर कहाँ पे होती है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके आपको अलग अलग टॉपिक जैसे फाइनेंस, कॉस्टिंग, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज देते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कंपनी और आइडिया एक अच्छा फॉर्म ले लेता है और आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, इनिशियल फंडिंग की ज़रूरत है, तो ये एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट को भी आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो ये काम होता है इंक्यूबेशन सेल का। अब हम देख रहे हैं साइट IIT मद्रास की इंक्यूबेशन सेल की। आपको चौंकाने वाले यहाँ पे फिगर्स देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो कि नियरली 233 स्टार्टअप्स हैव ऑलरेडी बीन इंक्यूबेटेड, मतलब बिजनेस 233 बिजनेस आइडियाज को कंपनीज में कन्वर्ट करने में ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, आप राइट साइड पे अगर फिगर देखें तो 10,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की कंपनीज ये हो गई है। मतलब मार्केट में आज अगर ये 233 कंपनीज को बेचा जाए तो नियरली 10,500 करोड़ की वैल्यू जो है वो क्रिएट हुई है। और ये फिगर भी आउटडेटेड है, अगर हम लेटेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को देखें तो IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल के कंपनीज ऑलरेडी 45,000 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंच गए।
दूसरा ये कैसे हुआ है, तो देखो आप इन्वेस्टमेंट मैंने बोला कि ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो नियरली 2,197 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर्स से लेके आ पाए हैं इन 233 कंपनीज। ये 233 कंपनीज भी थोड़ी बढ़ चुकी हैं, अभी लेटेस्ट जब आएगा तो आई एम श्योर कि 300 से ज्यादा ये कंपनीज ऑलरेडी स्टार्टअप्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये भी देखते हैं कि कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जैसे 125 पेटेंट्स भी यहाँ पे फाइल हो चुके हैं। टेक स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट्स फाइलिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, उसको लीगली प्रोटेक्ट करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत खर्चे वाली चीज़ होती है, पर जो कंपनीज यहाँ पे इंक्यूबेट हुई है उनके लिए IIT मद्रास ने यहाँ पे भी जो है वो सपोर्ट किया है। आपको लग रहा होगा सर ये है कि 300 कंपनी 233 कंपनीज, पर ये कंपनीज है कौन सी, क्या हम उसको जानते हैं, क्या हम उनको देखते हैं? तो चलो देखते हैं कि इंक्यूबेटेड कंपनीज जो IIT मद्रास के सेल से आई है ये कौन सी है। सो वी विल जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द कंपनीज। नाउ सबसे पहला नाम जो आपको यहाँ पे दिखता है वो है एथर एनर्जी। अब एथर एनर्जी तो आपके जो आपने सब आप अच्छे जो शहरों में हैं, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत पॉपुलर हो रही है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है एथर। और एथर जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल में से IIT मद्रास के एलुमनाई है उसके स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ने मिल के ये चीज जो है वो फाउंड की है। क्या एथर कंपनी एक बड़ी कंपनी बन पाई है सर, क्या इसके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट आ पाया है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि किसने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। तो सचिन बंसल जो फ्लिपकार्ट के ओनर हैं उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाया है, पर सचिन बंसल तो फ्लिपकार्ट वाले हैं, वो तो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं, ऑटोमोबाइल के साथ क्या लेना देना। तो आप देखोगे हीरो मोटर्स जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है टू व्हीलर्स के अंदर, उसने भी एथर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डाला है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी बिग कंपनी कमिंग आउट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे जो लोगों ने इसे फाउंड किया है ये आप लोगों से बहुत अलग नहीं है, ये भी आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक बिजनेस आइडिया है, लेकिन उनको एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट मिला इंक्यूबेशन सेल का, उनको नॉलेज इनपुट मिली और वो ये स्केल कर पाए। क्या ये अकेली कंपनी है इधर? नहीं, आप यहाँ पे देखें तो यूनिफोर कंपनी है, स्टेलैप्स क्या कंपनी है, ये मशीन लर्निंग IoT के बारे में हम बहुत सोचते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रहा है। तो स्टेलैप्स क्या कर रहा है, एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे डेयरी इंडस्ट्री उसके अंदर IoT और मशीन लर्निंग के जो सॉल्यूशंस हैं वो दे रहा है, और स्टेलैप्स एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर खूब सारा एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के अंदर काम कर रहा है। अच्छा, ये सिर्फ बिजनेस साइड पे है, वैल्यूएशन साइड पे या फिर सोशल इंपैक्ट में भी? तो आप यहाँ पे कुछ कंपनीज देखेंगे जैसे प्लैनिस, एक कंपनी है प्लैनिस क्या कर रही है, तो प्लैनिस जो है वो अंडर वाटर इंस्पेक्शन और ऑडिट्स करती हैं। आप एवरी मंथ आप एक रिपोर्ट देखेंगे कि फलाना फलाना ब्रिज बन रहा था वो गिर गया, या फिर फलाना ब्रिज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था, जैसे मोरबी में अपना हुआ था कि जहाँ पे ब्रिज गिरने से बहुत सारे लोगों की जाने भी चली गई। नाउ ये कंपनी प्लैनिस क्या करती है कि जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें हैं तो अंडर वाटर जाके उसका इंस्पेक्शन करना, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स चेक करना, उसका ऑडिट करना और वापस करेक्ट एजेंसीज तक वो डेटा देना। तो इसके काम करने से ये मिसहैप्स जो है वो बहुत कम हो सकते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा भी बच सकता है। किसी कंपनी ने बोला होगा कि हम इस क्वालिटी का काम करेंगे लेकिन वो काम हुआ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट के एजेंसीज तक वो चीज पता भी चल सकती है। ऐसे अगर आप इस साइट पे देखो तो बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग कंपनीज दिखेंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस साइट पे जरूर जाएं और हर एक कंपनी के बारे में थोड़ा सा जाने, इट विल इंस्पायर यू कि हाँ मैं भी एक कंपनी ऐसी स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके बियॉन्ड और क्या हो रहा है यहाँ पे IIT मद्रास के इसके अंदर वो देखते हैं, क्योंकि हम कंपनीज तो देख ली, हमें कंपनी स्टार्ट करनी है ये भी लग रहा है, लेकिन हर यंग स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मैं कंपनी तो स्टार्ट कर दूंगा पर पैसे कहाँ से लाऊंगा, हर बच्चे के पास पैसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि IIT मद्रास में इन्वेस्टर्स कौन है,
इन्वेस्टमेंट किस टाइप का आ रहा है, हमारे पास अगर आइडिया और उसको खूब पैसा लगे डीप टेक में, तो क्या इनकी कैपेसिटी है क्या कि वो हमको वो सपोर्ट दे सके। वी विल कम डाउन टू दी इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स का साइड अगर आप देखें तो आप यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स का नाम देखेंगे, सेक्वा कैपिटल, जो सेक्वा इंडिया भी एक अभी इसका एक विंग है, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। ये सेक्वा क्यों आप बोल रहे हो सर बहुत बड़ी चीज है या बड़ा है? भाई इन्होंने एप्पल, एनवीडिया, इन अटारी, इन सारे कंपनीज को इनिशियल फंडिंग देने वाली कंपनी सेक्वा थी। तो आप देख सकते हो कि इनकी कैपेसिटी क्या होगी। अगर आपका आइडिया है उसको अगर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ की भी अगर जरूरत हो तो यहाँ पे सेक्वा है, सेफ पार्टनर्स है, पीआई वेंचर्स है, मैट्रिक्स है, मतलब वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज है, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज है, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई स्टार्टअप ओनर है जो आईआईटी के बैकग्राउंड से नहीं है, जिसको ये इंक्यूबेशन सेल का सपोर्ट नहीं मिला है, तो क्या मेरे को भी ये सपोर्ट करेंगे? क्या मेरे अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। अगर मैं अपने कंपनी को एक लेवल तक ले आऊँ और फिर उसको एक प्रेजेंट करूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ये फंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे जैसे आदमी को ये फंडिंग तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है 8 से 10 साल लग जाए प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर मैं आईआईटी के मद्रास के इंक्यूबेशन सेल में से निकला हूँ तो वही जर्नी थोड़ी शॉर्टर हो सकती है, 2 या 3 साल में मुझे एक इतना बढ़िया जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो मेरे को बैक कर सकता है। देखिए, मैं खुद स्टार्टअप ओनर हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जनरली इन्वेस्टमेंट जो है वो आइडिया से ज़्यादा लोगों के ऊपर होता है। हमें लगता है एक बड़ा बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक बिजनेस आइडिया चाहिए। बिजनेस आइडिया तो हजारों लोगों के पास होता है, पर इन्वेस्टर सभी लोगों के ऊपर पैसा नहीं लगाता। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा मापदंड होता है कि जो फाउंडिंग टीम है उस पर पैसा लगाया जाता है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप आईआईटी मद्रास के अंदर हैं तो आपका एक बैकग्राउंड है कि आप सिंसियरली काम करते हैं, आप ऐसे ही आईआईटी मद्रास के अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद आप आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेशन सेल में आपका एक हिस्ट्री होगा 6 महीने 12 महीने का, ये सारी चीज़ें जो फ्यूचर इन्वेस्टर है उसको पता चलती है और इसलिए वो ज़्यादा जल्दी आपके ऊपर बेट लगा सकता है। कहीं पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी में और आईएससी में हैं तो आप गारंटीड बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस एक बहुत डायनामिक साइड है, उसमें कोई गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी में से नहीं है तो आप बड़ा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि बिना आईआईटी बैकग्राउंड के भी मैं एक स्टार्टअप को ऊपर ला पाया। सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आप इस इंक्यूबेशन सेल या आईआईटी जैसे एनवायरमेंट में हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा बढ़ जाता है और टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। सो हियर वी हैव सीन कि आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेंटर में टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स हैं। दूसरी चीज है सर, बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हो, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम तो समझ में आए, नीड तो समझ में आए, एक्चुअल नीड तो समझ में आए, तो ये कैसे होगा? तो आप अगर इनके पार्टनर्स के लिस्ट देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन है। वी आर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब गवर्नमेंट के साइड से आईआईटी के इंक्यूबेशन सेल के अंदर वो अपने प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं कि क्या आपके पास, वो आते हैं और बोलते हैं ये इशू है, क्या आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, क्या आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है जो इन प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करने में मदद कर सकता है, क्या हमारे मिसाइल्स हैं उनकी रेंज बढ़ानी है, या फिर हमारे खुद के फाइटर जो प्लेन्स हैं, आप यू नो अबाउट तेजस एंड अदर थिंग, जो इंडिजनाइजेशन ड्राइव चल रहा है, तो उसके अंदर कोई कंपोनेंट है कि जहाँ पे उनको एफिशिएंसी नहीं मिल रही है, दे कम बैक एंड दे शेयर दीज प्रॉब्लम्स। डज गवर्नमेंट ओनली डू दैट? नो। विच आर दी इंडस्ट्री पार्टनर्स? तो आप बोइंग जैसा नाम देखेंगे यहाँ पे कि बोइंग भी इस इंक्यूबेशन सेल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एज अ पार्टनर। आप एटॉस देखेंगे, आप गूगल क्लाउड देखेंगे कि गूगल क्लाउड भी यहाँ पे एक तरीके से उनके प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। तो व्हेन यू हैव दिस एनवायरनमेंट इन द इंक्यूबेशन सेल, आपको एक्सपोजर जो है वो काफी मिलता है, इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स पता चलने की
आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। दूसरा, एक अच्छे बिजनेस के लिए क्या चाहिए कि आपको एक अच्छी फाउंडिंग टीम चाहिए, ऐसे लोग जो आपके तरह ही आपके वैल्यूज रखें, एम्बिशियस हो, लेकिन उनके स्किल सेट्स अलग हो। तो आप खुद जानते हैं कि IIT के अंदर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ब्रांचेस के, अलग कोई PhD कर रहा है, कोई केमिकल में कुछ काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर्स में काम कर रहा है, कोई मैथमेटिक्स में काम कर रहा है, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, फैकल्टीज भी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कोई MIT से यहाँ पे वापस आके पढ़ाने के लिए आया है। तो जब आप इनिशियली अपना एक बिजनेस आइडिया बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इतने सारे डाइवर्स व्यूज और एक्सपर्टीज के लोग एक छत के नीचे मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अच्छी कंपनीज इन इंक्यूबेशन सेल्स में से क्यों निकलती हैं। तो हमने 2-3 चीजें आज देखी कि यहाँ पे हमको एडवांटेज क्या है। पहला, इंडस्ट्री के नीड्स और प्रॉब्लम्स हम तक पहुँचते हैं। दूसरा, हमें कोलैबोरेशन करने के लिए, फाउंडिंग टीम के लिए बहुत डाइवर्स एक्सपर्टीज एक छत के नीचे मिलता है। तीसरा, अगर हमारे पास एक अच्छी फाउंडिंग टीम है और एक रियल नीड है और एक रियल सोल्यूशन है, और उसको जितना भी पैसा लगे वो पैसा देने के लिए वर्ल्ड के ग्लोबल टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स भी इस एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं। नाउ ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टूडेंट्स ने नहीं मिस करनी चाहिए। आप IIT गेट एग्जाम दे के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बने या एक मल्टीनेशनल के टॉप जो है वो डिज़ाइन इंजीनियर बने या रिसर्च में आप काम करें, PhD करें, आप एक बहुत बढ़िया प्रोफेसर बने, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी है, और वो है कि आप इंडिया के नेक्स्ट टेक यूनिकॉर्न के ओनर भी बन सकते हैं। इस फैसिलिटी को, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लीवरेज जरूर करने की कोशिश करें अगर आप में वो उत्साह है कि आपको आपका खुद का एक टेक बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दैट ऑल ऑफ अस शुड एक्चुअली लुक एट। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी। हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, हम आगे दूसरे इंक्यूबेशन सेल्स, आपको एक होमवर्क टाइप देता हूँ मेरे अगले वीडियो के पहले, कि हमने तो IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल को देखा, आप अलग अलग IITs के जो इंक्यूबेशन सेल है उनके बारे में पता करने की कोशिश करें और उनके बारे में भी डेटा जो है वो देखें, राइट? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच के फिर एक पर्पस के साथ गेट एग्ज़ाम लिखें। गेट एग्ज़ाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये आपको एक पूरा एक नया वर्ल्ड जो है उसको वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी गेट की प्रिपरेशन, अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अच्छे से करें और सशक्त होकर गेट एग्जाम दें। और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने वालों में से ही कोई एक आज से 3 साल 5 साल 10 साल बाद इंडिया का टेक यूनिकॉर्न या फिर इंडिया के द्वारा जो खुद का गूगल, खुद का NVIDIA, खुद का इंटेल, खुद का यू नो द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हम लोग ग्लोबल जायंट कंपनीज यहाँ से निकले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और ऑन इंक्यूबेशन सेल्स, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं एक वीक के अंदर, मैं क्योंकि दूसरे कामों में मेरा खुद का स्टार्टअप होने के कारण बिजी रहता हूँ, तो एक वीक के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं आपके आंसर कर पाऊँ। Thanks a lot for patiently listening to me and very best of luck for the future ahead. Thank you.